हेलो, हाउ आर यू ऑल? एवरी वन इज़ फाइन, आई होप एवरी वन इज़ फाइन। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट हिंदी सुरभि फॉर क्लास वन। आज मैं हिंदी पढ़ाऊँगी क्लास वन के बच्चे के लिए। चलो देखते हैं क्या है आज हिंदी में हमारी पहली चैप्टर। हमारी पहली चैप्टर क्या है? ओ वाओ, आज मैं पढ़ाऊँगी। मैं पे क्या है देखो तो, यहाँ अपनी फ़ोटो चिपकाए। यहाँ पर आप लोग बच्चे, यहाँ आप लोग अपनी फ़ोटो लगाइएगा और नीचे अपनी नाम लिखिएगा, ठीक है? फ़ोटो यहाँ चिपका कर यहाँ अपना नीचे अपना नाम लिखोगे बच्चों आप लोग, ठीक है? उसके बाद देखो तो क्या है। ओ वाओ, आज तो हम लोग विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। मैं और मेरा विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या होता है बच्चों? विद्यालय का मतलब होता है स्कूल, ठीक है? तो देखो तो इस चित्र में क्या है, इस पूरे चित्र के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। देखो यहाँ पर एक बच्चा स्कूल ड्रेस पहनकर बैग वगैरह लेकर स्कूल जा रहा है और पीछे अपनी मम्मी पापा को बाय कर रहा है। यहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। ओह वाह, देखो ये हमारा स्कूल बस। यहाँ पर पेरेंट्स बच्चे को स्कूटी से स्कूल भेज रहे हैं। और देखो तो ये बच्चा साइकिल से स्कूल जा रहा है। ये रहा हमारा विद्यालय, ठीक है? विद्यालय मतलब स्कूल। बच्चों यहाँ पर आप लोग कलर कीजिएगा, कोई भी एक कलर यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमारे स्कूल में एक कलर कीजिएगा और इस पेड़ पर भी कलर कीजिएगा। जो भी कलर कीजिएगा, कोई भी एक कलर कीजिएगा, ओके? अब देखो तो उसके बाद क्या देखते हैं। ओह वाओ, लोगो है, वेरी गुड। देखो तो बच्चों क्या बोला है, स्कूल जाते समय आपको कैसा लगता है, सही का निशान लगाए। स्कूल जाते समय बच्चों आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा, बुरा, रोना आता है, गुस्सा आता है, उस पर आप लोगों को टिक करना है। देखो यहाँ पर हंसने का लोगो है। अगर स्कूल जाते समय आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इस पर सही कीजिएगा। अगर रोना आता है तो आप लोग इस पर सही कीजिएगा। अगर स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता तो आप लोग इस पर साइन कीजिएगा। अगर स्कूल जाने जाते समय आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप लोग इस पर टिक मार्क कीजिएगा। मैं तो इस पर की, क्योंकि मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, ओके? अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आप कौन सा काम पहले करते हैं और कौन सा काम बाद में। बच्चों आप लोग जब स्कूल जाते हो, सुबह उठकर आप लोग सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पर क्रम के अनुसार लिखना है, मतलब सजाना है हम लोगों को, ठीक है? तो पहले क्या है बच्चों, हम लोग सो को उठते हैं सुबह सुबह, इसलिए हम लोग, मैंने यहाँ पर वन लिखा है, ठीक है? उसके बाद बच्चे सो कर उठने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टू लिखा है, ठीक है? ब्रश करने के बाद हम लोग बच्चे क्या करते हैं, नहाते हैं, यहाँ हम लोग थ्री लिखी हूँ, ठीक है? इसके बाद नहाने के बाद बच्चों बोलो तो क्या करते हैं हम लोग, स्कूल ड्रेस पहनते हैं, तो आई विल राइट फोर, ठीक है? बच्चों उसके बाद नहाने के बाद, ड्रेस पहनने के बाद, स्कूल ड्रेस पहनने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नाश्ता करते हैं, तो मैं यहाँ फाइव लिखी हूँ। उसके बाद बच्चों बोलो क्या करेंगे, स्कूल ड्रेस पहनने के बाद, नाश्ता करने के बाद अंत में हम लोग स्कूल जाते हैं, तो यहाँ मैंने सिक्स लिखा है, ठीक है बच्चों? समझ में आया? पहले मैंने क्या किया, पहले सर्वप्रथम हम लोग, मैं सो कर उठी, उसके बाद ब्रश की, उसके बाद नहाई, उसके बाद स्कूल ड्रेस पहनी, उसके बाद नाश्ता की और अंत में स्कूल गई, ठीक है बच्चों? आप लोगों का ये होमवर्क रहा, आप लोग घर पे अपने बुक पे इसको कीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, घर पे रहो, थैंक यू।